हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं तभी शाम को नैना देवी माता जी के दर्शन करने। तो ये था नैना देवी माता जी के पहले का व्यू। यहाँ पे सारी दुकानें हैं, शॉप, चीज़ें बहुत महंगी थी, हमने कुछ नहीं लिया, हम लोग सीधे आ गए मंदिर में। तो मंदिर में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, शाम का टाइम था, 4:30 या 5 बज रहे होंगे उस टाइम हम गए थे, तो बिल्कुल खाली था। वहाँ पे जूता चप्पल खोल के फिर हम अंदर गए, दर्शन किए। उसके बाद किनारे पे मछलियाँ थी छोटी छोटी, सचप्रिया यहाँ खड़ी हो गई थी देखने में मछलियों को, अच्छा लग रहा था। और इसके पापा भी वीडियो बना रहे थे, सचप्रिया के पापा भी लगे थे वीडियो बनाने में। और उसके बाद से हम फिर मंदिर के चारों मंदिर के दर्शन किए। अंदर का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि लिखा था वहाँ पे दीवारों पे कि फ़ोटो और वीडियो ना ले मंदिर में, तो इसलिए हमने नहीं लिया, अच्छा नहीं लगता हर जगह। तो बस बाहर से ही हमारा वीडियो बना था। हनुमान जी का बड़ा सा मंदिर था यहाँ पे, और ऊपर भी था, फर्स्ट फ्लोर पे भी मंदिर था, और ग्राउंड पे तो था ही मंदिर ही। और उसके बाद से हम दर्शन करके निकल लिए, और शाम हो गई थी तो थोड़ी सी ठंड लगने लगी थी, तो हम वापस से होटल आए और वहाँ से अपने स्वेटर डाले, बच्चों ने भी और हम सब ने डाले, मतलब मैंने और हस्बैंड जी भी। और फिर हम मॉल रोड पे घूमने निकल गए क्योंकि शाम को अच्छा लगता है घूमने में मॉल रोड पे। मॉल रोड पे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, खाली था। इस बार का हमारा ट्रिप जो भी था ना, मतलब बहुत, पिछली बार हम आए थे 2022 में तो बहुत भीड़ थी, जगह नहीं था इतनी भीड़। और प्रिया को हमने स्वीट कॉर्न दिया था, साक्षी को, दोनों लोग स्वीट कॉर्न खा रहे थे, हमने खाया मोमोज, क्योंकि मुझे तो पहाड़ों पे मोमोज, मैगी और कढ़ी चावल और ये राजमा चावल बहुत पसंद आता है, तो बच्चों को खिलाया था रात को। हमने आलू चाट, टिक्की चाट लिया था। और उसके बाद से हम, रात हो गया था तो हम वापस आ गए थे घर होटल पे। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।